तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण और आज आपके लिए लेकर आया हूं कैलेंचो प्लांट पे फर्टिलाइज़र कैसे डालें, और साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंचो प्लांट पे ज़्यादा फ्लोरिंग कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैलेंचो का प्लांट है और इस पर अभी अभी कुछ बर्ड्स निकली है और साथ ही साथ अभी अभी इस पर कुछ ग्रोथ हुई है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस पर कुछ फर्टिलाइज़र ऐड किया था, तो वो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगा कि क्या इस पे फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और उससे क्या ये प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। आप देख सकते हैं इस पे हज़ारों कलियां बनी हुई है और भी बहुत सारी कलियां बन रही है। तो इसे पाने के लिए आपको सबसे पहले जो प्लांट निराई गुड़ाई अच्छे से करनी होगी और साथ ही साथ इस पे जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करना होगा। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जो इसकी जो कलियाँ बनी हैं ये और बनेगी और साथ ही साथ इस पे जो ये कलियाँ बनी हुई ये खिलेगी। तो अभी अभी आपको बताता हूँ मैं, इस पे देखिए एक फ्लोर खिला है, अभी सुबह तो नहीं खिला था और दोपहर बाद में इस पे फ्लोर खिला है। तो मैं आपके साथ इसका फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगा आगे। तो बात करते हैं इसके सोइल मिक्स की, तो सोइल मिक्स इसका बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सोइल मिक्स में यहाँ पर मैंने डाला है चारकोल, तो चारकोल का यूज़ आप इसमें ज़रूर कीजिए। चारकोल का यूज़ करने से ये जो प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा, जिससे ये एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और साथ में इसमें ठंडक भी बनी रहेगी, तो प्लांट अपनी रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा। और इसमें वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की वजह से इसमें रूट रोट हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसकी जो कटिंग्स है वो बहुत ही ईजी ग्रो हो जाती है, इसे ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। और साथ ही साथ इसमें जो फर्टिलाइज़र है उसको ऐड करने से पहले इसमें आप एक दिन पहले इसमें जो वाटरिंग है वो करना बंद कर दीजिए, तो उसकी वजह से ये जो प्लांट है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा और उसके बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जो फर्टिलाइज़र है उसका जो असर है वो जल्दी करेगा। और आज की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आपके का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ मैं आपको फर्टिलाइज़र कौन सा है। तो फर्टिलाइज़र ये है कि आप इसमें NPK का ज़रूर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, NPK 19:19:19 का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उससे जो फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसमें चाहिए पोटेशियम, पोटेशियम मिलेगा तो जो अपनी फ्लोरिंग है वो अच्छे से कर पाएगा और जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से खिल पाएंगे और साथ ही साथ जो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स बनेगी। तो दूसरा फर्टिलाइज़र है इसमें DAP, DAP डालने से इसमें रूट्स की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और DAP से जो प्लांट है वो आपका हेल्दी भी रहेगा। और आपको तीसरा फर्टिलाइज़र बताऊँ, वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसको कहते हैं चाय पत्ती। तो इसे थोड़ी सी एसिडिक सॉइल दोगे आप तो इसमें जो फ्लावर्स हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा आएगा, और अगर आपके पास वेरीगेटेड है या डबल कलर है या फिर आपके पास डबल लीफ वाला प्लांट है तो उसका जो कलर है वो अच्छे से निकल के आएंगे और जो भी कलर का प्लांट है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चौथा फर्टिलाइज़र है, आप इसमें ज़रूर से ज़रूर डालिए एक बार फंगीसाइड, फंगीसाइड का स्प्रे करने से इसमें जो रूट रोट की प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। और लास्ट फर्टिलाइज़र है, इसमें आप ज़रूर से ज़रूर डालिए माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट डालने से जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो आपके सामने आएगी। तो ये छोटा सा प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था, मेरे पास इसके और भी प्लांट्स हैं लेकिन वो सभी अलग अलग गमलों में लगे हुए हैं, उन पे भी कलियाँ बनी हुई हैं और मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ये जो प्लांट है ये मैंने अभी रिपोर्ट किया था कुछ टाइम पहले और उसके बाद इसकी जो कलियाँ हैं वो खिलने लगी है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए अभी कलियाँ इस पर जो खिलने लगी है। इसे आप अच्छे से खिलाने के लिए आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो फ्लावर हैं वो खिलेंगे, उसे बताने के लिए आपको सबसे पहले इसमें जो है पोटेशियम की पूर्ति करनी होगी। पोटेशियम के लिए आप इसमें बनाना लीफ फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो आजकल जो बनाना आ रहे हैं वो पहले से थोड़ी क्वालिटी कम आ रहे हैं, लेकिन वो बनाना आप उनको सुखा लीजिए और उसकी सोयल मिक्स में जो पाउडर है वो बना के सोयल मिक्स में ज़रूर से ज़रूर डालिए। तो आई होप आपको फर्टिलाइज़र पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।